नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है पान सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं आओ सीखें यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आओ सीखें यूट्यूब चैनल में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आप घंटे वाले बटन को ज़रूर दबा दें। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अमीरों के अंगूर के बारे में। जी हाँ, ऐसे नहीं, अमीरों के अंगूर तो अलग ही होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी लाल अंगूर खाए हैं? अगर आप कहोगे कि लाल अंगूर होते कहाँ पर हैं तो खाएंगे कहाँ से? अंगूर तो फ्रेंड्स हरा होता है या काला होता है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं लाल अंगूर के बारे में, एकदम बेहद लाल। जी हाँ, बेहद लाल। हालांकि यह फ्रेंड्स भारत में, अपने देश में आसानी से नहीं मिलता, अपने भारत देश में आसानी से नहीं मिलता है। इसके एक गुच्छे की कीमत आपको बहुत ही हैरान कर देगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं, जापान के लोग ने जो इसकी कीमत है, इसका एक छोटे की गुच्छे की कीमत है, वो 7.5 लाख रुपए है। और कैसे 7.5 लाख रुपए, वो भी हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, ये अंगूर की जो किस्म है, इसका नाम रूबी रोमन बताया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस अंगूर की किस्म है, एक गुच्छे में 24 अंगूर लगते हैं, इसकी 7.5 लाख रुपये कीमत है और इसकी जो किस्म है वो रूबी रोमन के नाम से है। इस खास प्रजाति के एक अंगूर का वज़न लगभग 20 ग्राम होता है और एक गुच्छे में लगभग 24 यानी कि 24 अंगूर होते हैं। फ्रेंड्स, इसकी ऊंचाई की वजह से यह बहुत ही लाल और ख़ास तौर का एक फल होता है, जिसको अगर कहा जाए तो ये अमीरों का एक अमीरों का फल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, 12 साल पहले अंगूर की इस प्रजाति को इसका वो प्रांत के एक सरकार ने इसको विकसित किया हुआ है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यह अंगूर खाने में काफ़ी मीठा होता है। हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, जापान में लाल अंगूर लग्जरी फलों की श्रेणी में इसको रखा गया है। इसे कभी कभी या कहीं भी शुभ अवसर पर गिफ्ट देने के तौर पे भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दरअसल रूबी रोमन यानी कि ये किस्म है, जापान में आसानी से मिलती नहीं है, ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसलिए यह बहुत ही महंगा है। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे, कानाजावा के थोक बाज़ार में मंगलवार को यानी कि 9 जुलाई 2019 को इस अंगूर की रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई गई। फ्रेंड्स, इस एक गुच्छे की बोली लगाने वाली कंपनी हुयाकुराको नाम से एक कंपनी है, जो इस कंपनी ने $11,000 की कीमत लगाई थी, यानी कि उसको ऊपर इंडियन करेंसी में कह सकते हैं 7.5 लाख यानी कि 7.52 लाख रुपए लगाकर इस कंपनी ने इसको एक गुच्छे को ख़रीदा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं, यह कंपनी जापान के होटल के कारोबार से जुड़ी हुई है। इस कागा को सरकारी कंपनी का कहना है कि यह सितंबर तक रूबी किस्म को करीब 26,000 गुच्छे निर्यात करेगी। और फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का ये अंगूर है, काफ़ी मीठा और सुरीला होता है। तो फ्रेंड्स, आप जान चुके होंगे कि कितनी इसकी महंगी कीमत है। फ्रेंड्स, आमतौर पर इस अंगूर को खाने वाला कोई है नहीं। ओके, अगर बात करें फ्रेंड्स मीडियम लोगों की, तो मीडियम लोग तो शायद इसको खा सकते ही नहीं। और फ्रेंड्स, ये किस्म ही अलग है, आपने कई बार बाज़ार में देखे होंगे, हल्के से लाल, वो लाल नहीं मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सुनहरे लाल है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपने किस प्रकार के अंगूर खाए हैं और उनका टेस्ट कैसा रहा है। और फ्रेंड्स, देखते हैं आने वाले समय में, अगर ये अपने देश में आएगी और इसका रेट वेट डाउन होगा तो शायद उम्मीद है सभी लोग खा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैंने शेयर की, तो उम्मीद है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करेंगे ताकि लोगों को और जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बस मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच, गुड बाय।